गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीबीएन ऑनलाइन क्लासेस। टुडे विल डू द क्वेश्चन नंबर 6 फॉर एक्सरसाइज 8.2। ओके, तो सी द क्वेश्चन। ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट। सेल लगी, उस पे एक शॉप ने डिस्काउंट दिया, कितने परसेंट का? 10% का, ऑन द मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस दिया तो जैसे आप टी शर्ट्स वगैरह लेते हो या कुछ भी सामान लेते हो तो वो होता है ना, वहां पे लिखा होता मार्क्ड प्राइस, मतलब 100 है, 50 है, 1000 है, दैट इज कॉल्ड एज अ मार्क्ड प्राइस। ओके, तो मार्क प्राइस है कितना? मार्क प्राइस, अच्छा जो मार्क प्राइस है, जो सपोज है टी शर्ट लिए उस पर टैग सा लगा होता है, उस पर जो प्राइस है वो आपको बताया ऑफ ऑल आइटम्स। ओके, अब बोला कि व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स। अब कस्टमर कितने पैसे पे करेगा अगर वो एक पेयर लेता है जीन्स का जिसका मार्क प्राइस कितना है? 1450। ओके, एंड टू शर्ट्स, अब दो शर्ट भी लेता है एट रुपीज 850 ईच। ओके, 850 की ईच है, मतलब 1850 के टू कितने की हो जाएंगी? 1700 की हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये लिखेंगे, दैट इज अ मार्क प्राइस। ओके, आप लिखेंगे मार्क प्राइस, प्राइस एट आइटम्स, व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क प्राइस 1450। ओके, तो ये कितना हो गया? मार्क प्राइस ऑफ जीन्स लिख दो आप। ठीक है, पेयर ऑफ जीन्स इज इक्वल्स टू 1450 रुपीज इस पे है। ओके, और इस पे 10% का डिस्काउंट मिला। अब एक और बात है कि जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको मेथड करवा रही हूँ आप वैसे ही करो। ठीक है, आपको ये जो क्वेश्चन है ये 2 या 3 तरीके से हो सकता है, वैसे कर लीजिए आप, दोनों वाले मार्क प्राइस को ऐड कर लीजिए फिर उस पर डिस्काउंट निकाल लीजिए, या दोनों का अलग अलग डिस्काउंट निकाल के कर लीजिए। ओके, बट हाँ, द मेथड शुड बी राइट, मेथड आपका सही होना चाहिए बिल्कुल, सिर्फ आंसर्स नहीं। आपके अगर तो आंसर्स आपके सही होते हैं ऊपर मेथड बिल्कुल गलत होता है, तो आपको मेथड के भी नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे कितना है मार्क प्राइस ऑफ जीन्स, दैट इज 1450 रुपीज। अब इस पे कितना डिस्काउंट दिए? डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 10%। ओके, 10% का डिस्काउंट है इसके ऊपर। किस पे ऊपर है? जीन्स, जो उसने जीन्स लिए। तो हम ये निकाल लेते हैं कि कितना है, एक फॉर्मूला भी है वैसे तो, ये सिंपल जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी हैं तो उसमें भी आप ये क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। अगर आपको फॉर्मूला के थ्रू करना है तो फॉर्मूला है डिस्काउंट इज इक्वल टू रेट इंटू मार्क प्राइस अपॉन 100। तो अब हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं डिस्काउंट, अब डिस्काउंट कितना है? दैट इज 10%। ओके, और इज इक्वल्स टू 10% है, सो आई कैन राइट 10/100। ओके, इज इक्वल्स टू रेट, अब रेट कितना है? रेट इंटू मार्क प्राइस अपॉन 100। तो दैट इज सॉरी, डिस्काउंट नहीं, अभी डिस्काउंट नहीं पता है हमें, रेट है 10%। तो ये कितना होगा आपका? दैट बी डिस्काउंट हमें एग्जैक्टली नहीं पता कितना है, हमें डिस्काउंट ही निकालना है। इज इक्वल्स टू रेट कितना है? 10 इंटू मार्क्ड प्राइस। ओके, मार्क्ड प्राइस इज 1450 अपॉन 100। ओके, तो हम पहले डिस्काउंट निकाल लेते हैं, तो ये एक जीरो से एक जीरो काट दो, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, तो 145 रुपीज का ये डिस्काउंट मिला उसको। अगर उसने क्या खरीदी? जीन्स, और वो जीन्स थी, उसके ऊपर कितना परसेंट का डिस्काउंट था? 10% का। तो हम ये करते हैं कि फिर उस कस्टमर ने कितने पैसे पे करे। ओके, जीन्स अगर वो लेता है तो अब ये सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। अगर सेलिंग प्राइस कितना होगा? जितना तो मार्क प्राइस था, दैट इज 1450 में से जितना उसका डिस्काउंट था, ऑब्वियसली माइनस करके देंगे। अगर आप इसी शॉप पे जाते तो डिस्काउंट है, ठीक है, 50% है, 60% है, तो वो क्या करते हैं फिर? आप क्या करते हो, जितना 50% डिस्काउंट है उसको लेस करके माइनस ही करोगे ना, जिसका उसका मार्क प्राइस है। तो बस वही मैं कर रही हूँ, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी 145 को। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, 1450 में से 145 सब्ट्रैक्ट करें, 10 में से 5 गए, दैट इज 5, 4 में से 4 गए 0। ओके, यहाँ पे 4 में से 1 गए 3, और वो जो जीन्स है, पेयर ऑफ जीन्स है, वो कितने की पड़ी उनको? 1305 रुपीज की। ठीक है, मार्क प्राइस कितना था उसका? दैट इज 1450, और डिस्काउंट जब मिल गया तो डिस्काउंट से उनको इतने की जीन्स पड़ गए। ओके, अब नेक्स्ट में क्या खरीदते हैं? व्हाट वुड हैव अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स, ये तो पेयर ऑफ जीन्स के बारे में था, मार्क प्राइस 1450 एंड टू शर्ट्स। ठीक है,
टू शर्ट्स एट रुपीज 850 ईच। ईच का मतलब क्या है कि एक का प्राइस 850 है, तो खरीदी कितनी दो, तो दो खरीदी तो 850 इंटू टू करोगे या 850 प्लस 850 करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मार्क प्राइस ऑफ टू शर्ट्स। ओके, याद रखना टू शर्ट्स, एक शर्ट का नहीं दिया है, टू शर्ट के ऊपर 10% का डिस्काउंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू शर्ट्स इज इक्वल्स टू 850 इंटू टू करूंगी या 850 प्लस 850 करूंगी। अगर एक पैन की कीमत ₹5 है तो आपने दो पैन लिए तो क्या करते हो, तो 5 × 2 करते हो या 5 + 5 करते हो, बस वही है। तो ये कितना आएगा, 1700 आ जाएगा। सो 850 इंटू टू, सी 5 × 10 देन 1700 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 1700 रुपीज की दो शर्ट्स है। अब दो शर्ट्स की उस पर 10% का डिस्काउंट है, तो वही डिस्काउंट निकालेंगे कितना डिस्काउंट है। सो वी कैन जस्ट फॉर्मूला, डिस्काउंट इज इक्वल टू रेट इंटू एमबी अपॉन 100। रेट कितना है, 10% का ही डिस्काउंट है। अगर यहाँ पे सपोज 15% होता तो मैं रेट की जगह क्या लिख देती, 15। अगर सपोज यहाँ पे 20% होता तो मैं रेट की जगह क्या लेती, 20। ओके, तो यहाँ पे कितना है 10, और मार्क्ड प्राइस तो कितना है आपका 1700, और यहाँ पे अपॉन 100 तो है ही यहाँ पे। अभी दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर दीजिए, तो आपको उसको कितने रुपए का डिस्काउंट मिला जब उसने जीन्स शर्ट्स ली, 170 रुपीज का डिस्काउंट मिला 10% के हिसाब से। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए वो कितना आएगा आपका, 1700 में से 170 रुपीज आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये कितना हुआ 1700 में से, अब ये कितना हुआ 10 में से 7 गए दैट इज 3, ओके 6 में से 1 गए 5, तो ये कितना 1530 रुपीज। ठीक है, अब ये लाइन बढ़ी, अब क्या लास्ट में क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग अ सेल ऑफ अ शॉप ऑफर डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइसेस ऑफ ऑल आइटम, व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स marked at 1450 and two shirts marked at rupees 850 each। ठीक है, तो फिर कस्टमर ने कितने पे करे पैसे। ओके, अभी आपने डिस्काउंट कर लिया फाइन, तो ये इतना डिस्काउंट हो गया, और इसमें इतना डिस्काउंट हो तो कस्टमर ने कितने पे करे, कस्टमर हैव टू पे क्या करेंगे, दोनों को ऑब्वियसली आप ऐड कर लोगे, कितने की जीन्स है तो 1305 प्लस कितने की, दो शर्ट्स ली 1530। ओके, तो नाउ जस्ट ऐड 1305 देन 538 2835 रुपीज। तो कितने पे करे कस्टमर ने, 2835। ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल अच्छी तरह आना चाहिए, क्योंकि कल को आप भी मार्केट में जाते हो, आप भी शॉपिंग करते हो, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कैसे डिस्काउंट निकालते हैं। ओके, तो ये चीजें सारी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ सी दिस क्वेश्चन, अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स। अरुण ने स्केट्स लिए, ओके, एट द सेल पे डिस्काउंट गिवन वॉज 20%। अरुण ने स्केट्स लिए जिसपे 20% का डिस्काउंट था। इफ द अमाउंट ही पेज इज 1600 रुपीज, अगर उसने 1600 पे करे, फाइन एमपी, एमपी इज मार्क प्राइस। हम पूरा अगर मार्क प्राइस पूरा नहीं लिखते तो हम एमडोट पी लिख सकते हैं, दैट इज मार्क प्राइस। ओके, तो आपको ये निकालना है कि मार्क प्राइस कितना था। इतना तो पता चल गया कि इतने पे करे हैं, इतने तो पैसे पे किए गए हैं, और इतना तो डिस्काउंट था, दैट इज 20% का तो डिस्काउंट था। तो एक बार डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है, दैट इज एमपी माइनस सीपी, दैट इज एमपी माइनस एसपी, सॉरी दैट इज सेलिंग प्राइस। ओके, तो आप ये सबसे पहले अगर आपको देखो बहुत सारे तरीके में फिर से बोल रही हूँ क्वेश्चन करने के, आप एक मैं बताती हूँ सबसे पहले क्या करेंगे। यहाँ पे डिस्काउंट कितना है, लेट द मार्क प्राइस, ओके, एमपी ऑफ स्केट्स, और मान लेते हैं मार्क प्राइस कितना है स्केट्स का, दैट इज 1600 रुपीज। ओके, सॉरी द मार्क प्राइस तो हमें फाइंड करना है, तो जिसका नहीं पता होता हम उसको एक्स ले सकते हैं। ओके, तो एक्स से हम डिनोट कर सकते, आप यू कैन टेक एनी अल्फाबेट, मैं एक्स लेती हूँ हमेशा। तो यहाँ पे कितना है, विद द डिस्काउंट वाज गिवन एज 20%, सो डिस्काउंट
इज इक्वल्स टू 20%। किस पे डिस्काउंट है? मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट है। ओके, जितना उसका मार्क्ड प्राइस है उसके ऊपर डिस्काउंट है। तो अगर आपको जो भी आपने इसमें स्केट्स लिए हैं, ठीक है, तो अगर कोई भी आप सपोज आर्टिकल खरीदते हो या कुछ भी खरीदते हो, तो क्या होता है कि मार्क्ड प्राइस में 20% मार्क प्राइस का माइनस करके तो देंगे ना। अगर डिस्काउंट है तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली माइनस करेंगे, ऐड तो करेंगे नहीं इसमें। तो हम क्या करेंगे, देखो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जितना था उसका मार्क्ड प्राइस है उसमें से डिस्काउंट है जितना है ना, डिस्काउंट मतलब 20% ऑफ मार्क्ड प्राइस, ठीक है, जितना मार्क्ड प्राइस है उसमें से 20% जितना मार्क प्राइस में 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो मैं 20% निकाल लूंगी मार्क प्राइस का कि 20% कितना होता है। फिर जितना का जितना की आर्टिकल है कुछ भी आप खरीदते हो उसमें से सब्ट्रैक्ट करके मुझे एग्जैक्टली पता चल जाएगा कितने की ये चीज मिल रही है मुझे। तो बट इसने ये बता दिया कि अगर मार्क प्राइस में 20% डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो हमारे पास वो कितने की पड़ा, उसको 1600 रुपीज का पड़ा। ये उन्होंने दे दिया कि उसने इतने का खरीदा है, ठीक है। सो मार्क प्राइस को मैंने एक्स लिया यहाँ पे माइनस, आई कैन राइट 20/100 ऑफ मार्क प्राइस को मैंने क्या मेंशन करा था, एक्स की सिंबल से डिनोट करा था, तो ये कितना हो गया 1600 रुपीज हो गया। ओके, सो ये इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देते, कैंसिल होगा 1010। तो आप इसका एलसीएम ले लेते हैं 10। अगर आपको यहाँ पे इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है तो आप लोएस्ट फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो, मैंने नहीं करा। ओके, तो ये कितना आया आपका 10, दैट इज 10x माइनस, सो दैट इज 2, दैट 2x इज इक्वल्स टू 1600 रुपीज। ओके, तो 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें, दैट इज 8x अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1600 रुपीज, ये आएगा। अब इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x इज इक्वल्स टू ये कितना बन जाएगा, 16,000 बन जाएगा। ओके, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 होता है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 अगर 8x से मल्टीप्लाई होगा तो 8x ही आएगा, पर ये जो 10 1600 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 16,000 बन जाएगा। ओके, तो हमें ये जो x है, x क्या है आपका, मार्क्ड प्राइस, इसकी तो वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना हुआ 16,000 अपॉन 8, ये जो 8 है ये डिनोमिनेटर में आ जाता है। सो चेंज कर दो इसको, यहाँ डिवाइड कर दो, ये कैंसिल कर दो, 8 2 16 और 3 जीरोस आ जाएंगे यहाँ पे, तो x कितना हुआ, दैट इज 2000 रुपीज। सो मार्क प्राइस कितना आया, 2000 रुपीज। ओके, तो कितना इजी क्वेश्चन था, बस सिंपल ये होता है, सबसे पहले तो क्या स्टेटमेंट में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है एग्जैक्टली वो पता होना चाहिए। अगर जिसको ये समझ आ गया क्वेश्चन में क्या दिया है और फॉर्मूलाज आते ही हैं, देखो मैंने तो फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं करा, मैं जस्ट फाइंड द क्वेश्चन, आप फॉर्मूला अप्लाई करके कर लो, आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे ही क्वेश्चन को कर सकते हो, फिर से बता रही हूँ, बट द मैथड शुड बी करेक्ट। सिर्फ आंसर्स ही ठीक आने से मतलब नहीं होना चाहिए कि मैम हमारा जो आंसर सही आया आपने ऊपर से गलत कर दिया। ओके, तो ये नहीं होना चाहिए। तो आज के इतने क्वेश्चंस करते हैं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको आपके ग्रुप के थ्रू भेज दूंगी। ओके, थैंक यू।